जब ये बात करते हैं कि ये मेरे बच्चों को इन पत्थर पे पहुंचा देना, मैं और मेरी बीवी इस दुनिया से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान हैदर। ये देख सकते हैं मेरा आईडी कार्ड है, इस पे मजदूरी का निशान लगा हुआ है। आप बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को हमारे पते पे पहुंचा दीजिएगा। तो मैं पहले तो अपने मीडिया वाले जितने भी बहन भाई हैं जो हम जैसे के लिए आवाज़ उठाते हैं, पहले उनके पास वीडियो भेज रहा हूँ। इतने बंदे कह रहे थे कि मेरे बच्चे ऐसे पते पर पहुँचा देना, शायद असी इस दुनिया से रविए ना रविए, थोड़ा आसान होगा मेरे बच्चे से, असी बच्चे नहीं मार सकते। मैं इसलिए गुर्दे बेचने के लिए भी गया था पंजाब। ने गुर्दे बेचने गए थे? वो मैं आपको वीडियो देता हूँ, मैं गुर्दे बेचने के लिए बैठ रहा हूँ पंजाब असेंबली के आगे। गुर्दे बेच रहा जिंदा है, निके निके मेरे बच्चे ने पैर दे मसला कौन संभाले। वजीर अला हाउस बैठा रहा हूँ मरियम नवाज के इनके हाउस के आगे। मैंने कहा ये मेरे पास इतने बड़े सबूत हैं, आप मुझे अंदर जाने दें या मेरी बात करवा दें कोई। सर ये अल्लाह का ताला के 99 नाम है, ये हाथ में लेके मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और यकीन करें उस वीडियो के मिलते ही मैंने इनसे ये बात की कि मैंने कहा मैं मुदस्सिर की बातें, मेरा चैनल है, मुझे एक दफ़ा मिल लो, आप मेरे पास आओ, मैं अगर आपकी एक ऐसी वीडियो करूँगा कि शायद अल्लाह आपकी सुन ले। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कहना को मुदस्सिर का सलाम। नाज़रीन सोशल मीडिया पर हमेशा मैं मोटिवेशनल वीडियोस करता हूं और आप बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन आज जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है, अगर ये आज मेरे साथ मौजूद ना होती तो दुनिया फ़ानी से चली जाती। जी हाँ, ये आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद हैं, ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो विंडो में चल रहे होंगे। आखिर ये मजबूर फैमिली है कौन, और ये जो वालिद है पूरी फैमिली समेत इस दुनिया फानी से क्यों जाने वाला था, मामलात क्या थे, इन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं। और ज़मीन पर बैठने की कोई वजह है ये फैमिली हो सकती, आखिर क्या मामला था, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। सर बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है कि ज़मीन पर बैठे हाँ ना तुसी खड़े हो सकते हो ना तुम्हारी बीवी। सब तो पहले मैंने दसो कि मामला है कि सर मेरी बीवी ने पैर दे विच ना जहर फैल गई है बच्चे की डिलीवरी तो बाद, मैंने खुद नूं पोलियो है, तो मैं जो तुम डॉक्यूमेंट दिते ना पहचान ये सर जी मैं वज़ीरे आला हाउस लैके गया सी, ये सारे साइन अपने इलाके से करवा के दिते ना, मैं ये मेरा रिश्ट्रक्टिव कार्ड मजदूरी का निशान भी लगे हुआ, तो ये मेरी बीवी का इलाज नहीं हो जा रहा, ऐसा मैं मजबूर होकर अपने इलाके इतने आया लाहौर च कि मेरे अल्लाह ताला किसी चैनल के थ्रू मेरी कोई मदद करा दे सी मैं, ताकि अपनी बीवी के इलाज वास्ते कोई अल्लाह ताला मेरा कोई वसीला बना देगा। नहीं तो लोग कह रहे थे कि तुसी मुदस्सिर भाई अगर अज ना आते, लोगों ने मैं मिलिया तो इन्होंने अपने आप अज पूरी फैमिली ने खत्म। जी बिल्कुल भाई जान, मैं यही सोच की क्योंकि तंग हो गए सी, मैं वज़ीरे आला उसे चक्कर ला ला के मैं चैनल वाले कह कह के तंग हो गया सी, इस पर भाई जान मैं अपने इतने बंदे कह रहे थे कि मेरे बच्चे ऐसे पते तो पहुँचा देना, शायद असी इस दुनिया से रविए ना रविए, थोड़ा एहसान होगा मेरे बच्चे से, असी बच्चे नहीं मार सकते, लिहाजा तुम थोड़े थोड़ा मेरे उत्ते एहसान होगा पहुँचा देना। जब इनकी ये वीडियो वायरल होती है, जब ये बात करते हैं कि ये मेरे बच्चों को इन पत्थर पर पहुँचा देना, मैं और मेरी बीवी इस दुनिया से जा रहे हैं। और यकीन करें उस वीडियो के मिलते ही मैंने इनसे ये बात की कि मैंने कहा मैं मुदस्सिर की बातें, मेरा चैनल है, मुझे एक दफ़ा मिल लो, आप मेरे पास आओ, मैं अगर आपकी एक ऐसी वीडियो करूंगा कि शायद अल्लाह आपकी सुन ले। ये टोटल डॉक्यूमेंटेशन ये आपके सामने है, ये डॉक्टरी रिपोर्टें आपके सामने हैं, ये वो फैमिली है, ये वो बाप है, ये वो माँ है जो अगर आज मैं ना मिलता तो वो इस दुनिया में शायद ना होते। इन बच्चों को मेरे पते पर पहुँचा देना। अच्छा मैं दसो कि कितने अरसे तो बीमारी है, की मामला? सर ये अल्लाह का ताला के 99 नाम है, ये हाथ में लेके मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह और अल्लाह का नबी जानता है। मेरे बच्चे भूखे होते हैं, रात को ये देख सकते हैं मेरी बच्ची की आँख, ये मेरी बच्ची मिसरे मुझसे खाना मांगा है, मैंने इसको धक्का दिया, ये मुंह के बल गिरी है, खाना मांगा बस इसने, खाना मांगा। तो ये जब मैं घर में आता हूँ मुझसे बच्चे डर जाते हैं, हालाँकि बाप को देख के बच्चे खुश होते हैं, मेरे यानी कि मूड को देख के मेरे बच्चे मुझसे डर जाते हैं, मैं परेशानियों में इतना घिरा हुआ हूँ। आप कितने अरसे से आपको पोलियो है? ये बचपन से है मुझे पोलियो। आपको बचपन से? बचपन से है ये। और आपकी जो वाइफ है किस बीमारी में मुबतला? डिलीवरी के बाद ये डॉक्टरों की मेहरबानी है, उन्होंने
गलती से ऑपरेशन किया है जिससे मेरी बीवी के पेट में जहर फैला है। उसके बाद ये बच्चे ये दोनों पैरों में जहर फैल गया, यहाँ तक ही फटा हुआ है सारा। कोई हिम्मत पट्टी, वो जो पट्टी हुई है जी, ये सर ये देख सकते हैं पट्टी आप, अभी भी चल रही थी। तो आप क्या कह रहे थे? ये सर ये खून चल रहा है, ब्लड चल रहा है सर अभी भी। चलते इंटरव्यू में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, देखना चाहते हैं इस पर मैं, ये नड़ेन में नाम है मेरे हाथ में, कोई झूठ नहीं होगा। कोई आके मेरे रात को 3 बजे आके मेरे घर में देखना चाहता है, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मुझे, कोई एक बात झूठी साबित कर दे, जो कातिल की सजा है वो मेरी सजा है। डॉक्टर अब क्या कहते हैं आपकी जो वाइफ है, कब तक ठीक हो जाएगी, क्या कहते हैं? इलाज है, इलाज पैसे क्या कहते हैं? इसका इलाज है सर लेकिन महंगा है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं नहीं करवा सकता। मैं इसलिए गुर्दे बेचने के लिए भी गया था पंजाब। अपने गुर्दे बेचने गए थे? वो मैं आपको वीडियो देता हूँ, मैं गुर्दे बेचने के लिए बैठ रहा हूँ पंजाब असेंबली के आगे। गुर्दे बेचने के लिए? जी अपने गुर्दे बेचने के लिए गया था, वो भी आपको वीडियो देता हूँ सर, वो भी आप चला सकते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ सर, मेरा अल्लाह और अल्लाह का नबी जानता है इस वक्त मेरे ऊपर कितने कर्जा है और कितनी परेशानी है। ये मैं, ये जिम्मेदार बाप की हालत होती है, यहाँ पर कोई एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता। मैं इसीलिए तंग हो के मैंने वहाँ पे 3 दिन पहले बैठ रहा हूँ वहाँ पे वज़ीर-ए-आला हाउस बैठा रहा हूँ, मरियम नवाज के इनके हाउस के आगे। मैंने कहा ये मेरे पास इतने बड़े सबूत हैं, आप मुझे अंदर जाने दें या मेरी बात करवा दें कोई मेरे से। उन वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे साथ तावन किया है, इन मेरे बच्चों को 100-100 रुपये दिया है पुलिस वालों ने, इतने अच्छे हैं उनको, यानी कि हमारे ऊपर तरस आया अल्लाह के बाद। मान जी अल्लाह आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे। एक वीडियो तुम बनाई है किसी अपना, मैं तो मेरा हसबेंड असी जा रहे हैं, तुहाडे हसबेंड ने वीडियो बनाई, रोवो ना अल्लाह परेशान ना हो, वो की मामला क्यों बनाई थे? आपको गर्मी बहुत है, बच्चे निके निके ना, फिर हालात वे दे मंगाई वे को पैर तो मेरा मसला है, मेरे मियाँ दे पोली है, फिर तो मेरे तो कुल काम नहीं होता, सारा मसला है कुदा भेजो दिंदा है, निके निके मेरे बच्चे ने पैर दे मसला है, कौन संभाले? आपको देख लो हालात देख सारे मंगाई से बाजी परेशान ना हो। नादरी देखें एक माँ के आंसू, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि किस तरह वो रो रही हैं और वो कह रही हैं कि हम कदर मजबूर हैं। यकीन करें मैंने हमेशा फैमिली कंटेंट प्रमोट किया, आपने देखा है जब से इन्होंने मैंने इनसे रब्ता किया, इनकी वीडियो मेरे तक आई कि मैं खुदा रहा एक दफ़ा मुझे मिल लें, आपका कोई ना कोई हल हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे कोई ना कोई। अच्छा सर देखें, अब मेरे देखने वाली ऑडियंस आपको देख रही है, आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना, कोई ऐसी परेशानी नहीं लेनी, आपकी हेल्प लोग करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है? कोई लास्ट में पैगाम देना चाहे, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, ठीक है, और अपने मुँह से अपना नंबर भी बता रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? सर बाजी एक ही बंदा चाहिए हमें, मेरी बीवी का और मुझे कोई कारोबार करवा दे, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और वो भी सबूत लेके, चाहे दिन को लें चाहे रात को लें, 3 बजे भी सबूत ले सकते हैं, कोई चीज़ का झूठ निकला है, जो चोर की सजा वही हमें सजा दे। इनके पास ऑल डॉक्यूमेंटेशन है जिनके ऊपर ये वाजे लिखा है कि ये किस बीमारी में मुबतला है, क्या परेशान है, डॉक्टर ने इनको डायग्नोज किया हुआ है और वो रियलिटी है सब चीज़ें। और बाकी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने हमें आपसे मिलवाया तो कोई इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी सोची होगी। बस सर उनसे यही कहूँगा कि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो आप उनका, मेरा मेरे बच्चों पर परेशान होगा, मेरे बच्चों पर परेशान होगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे नबी पाक को भी बहुत पसंद थे, हम बस उसके मानने वाले हैं, हम उस नबी की उम्मती हैं। रिश्तेदार कोई नहीं है इमरान साहब, रिश्तेदार कोई भी नहीं है, मजीद इनसे बात नहीं कर सकता, बस आप अपना नंबर बता दें अपने मुँह से। 0-0-303-48-048-16 0-0-303-48-048-16 नादरीन ये इस फैमिली का नंबर है। यकीन करें इससे पहले कि वीडियो वायरल होती है, अगला शख्स वीडियो बनाता है और उसके बाद वो दुनिया फानी से चला जाता है, लेकिन मैंने इनसे रब्ता किया कि आप एक दफ़ा मुझे मौका दें, मैं आपकी वीडियो करता हूँ, हो सकता है कि अल्लाह मेरा मालिक बड़ा बेनियाज है कि आपके मामला बन सकें, तो खुदा रहा इनका नंबर है, इनके साथ रब्ता करें, जो हो सकता है आप इनके साथ तावन करें ताकि ये अपनी लाइफ में खुशहाल रह सकें। इनके बच्चे देखें, नए नए फूल जैसे बच्चे हैं और ये दोनों मियां बीवी डिसेबल हैं, मजदूर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को ज़्यादा देखते हैं प्रोग्राम, मुदस्सिर की बातें देखती हैं, सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम।